Good afternoon, students. I'm here, Jitendra sir. You all are welcome to JS English World. आप सभी viewers का JS English World में हार्दिक स्वागत करता हूँ. And today I'm here with a very important and happy news for the students of class 9 CBSE board. मैं यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ इस वीडियो पेश कर रहा हूँ for class 9 students जो CBSE board में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए. The CBSE have decided to delete some portion from the syllabus of the session 2020-21. CBSE team ने decide किया है कि बच्चों के stress को कम करने के लिए, उसके burden को कम करने के लिए जो है syllabus में कुछ portions को delete किया जाए. And it has been done in order to reduce the stress and burden of study among the children. सब लोग जानते हैं कि बच्चे घर में बंद हैं, school बंद है और घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ना है. तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को कुछ कट ऑफ किया गया है, कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है, उसी की चर्चा हम यहाँ करेंगे इस वीडियो में. चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके चैप्टर डिलीट किए गए हैं. CBSE के द्वारा किया गया है, ठीक है. कुछ डिलीटेड, ये क्लास 9th है. डिलीटेड पोर्शन जैसे कि आप पहले ग्रामर में देख लीजिए. ग्रामर मैं आपको बता दूँ कि 12 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. जैसे एक एडिटिंग या ओमिशंस होते हैं, उसके बाद डायलॉग कंप्लीशन होते हैं, उसके बाद आपके फिल गैप्स होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक है. तो ये अल्टरनेटिव ये क्वेश्चंस आते हैं. तो ग्रामर पोर्शन में आपको यहाँ देख लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, प्रीपोजिशंस. ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है. यानी ये सब जो है पोर्शन आपके ग्रामर के सिलेबस से डिलीट किए गए हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग सेक्शन का. राइटिंग सेक्शन में यहाँ देखिए आपका लेटर राइटिंग ऑन गिवन सिचुएशन, उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और एन इवेंट. आप सेकंड पॉइंट शायद समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है ये आपका स्टोरी राइटिंग हो सकता है या आर्टिकल राइटिंग हो सकता है, जिसमें आपको लंबा पैराग्राफ लिखना पड़ता है किसी इवेंट पर या किसी प्लेस के बारे में, ठीक है. आशा करते हैं आप लोग समझ गए. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. आपका देख लीजिए रीडर में दो बुक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं एनसीईआरटी के. पहला आपका बीहाइव है और दूसरा है मोमेंट्स, ठीक है. तो हम देख लेते हैं बीहाइव और मोमेंट्स में कौन कौन से चैप्टर आपको डिलीट किए गए हैं. जहाँ तक बात कर लेते हैं आपका बीहाइव का, तो इसमें आपके 5 जो टॉपिक्स है वो डिलीट किए गए हैं. ये बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है, आप लोगों के लिए. यहाँ पर देख लीजिए द लैक इजल ऑफ मिनिस फ्री, द स्नैक एंड द मिररर, द डक एंड कैंगरू, कैटमंडू, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल. 5 टॉपिक्स में से आप ये ध्यान में रखिए कि आपका ये जो लेक ऑफ विजल फ्री, डक एंड कैंगरू और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये तीनों पोएम हैं. और बाकी के जो ये काठमांडू और द स्नैक एंड द मिरर, ये आपके जो है प्रोज हैं, ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि इसमें आपके 3 पोएम्स और 2 प्रोज को जो है डिलीट किया गया है, जिससे आपको जो है आपके सिलेबस में एक बहुत ही 25-30% का डिडक्शन किया गया है. आगे हम बात करते हैं मोमेंट्स में. मोमेंट्स में ऑल टुगेदर आपके 10 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये 2 चैप्टर्स को आपका डिलीट कर दिया गया है. यानी आपके पढ़ाई में जो है कोई असुविधा नहीं होगी. 10 चैप्टर्स में से मान लीजिएगा 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया जाए, तो 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं और आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं. तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको खुशी हुई जानकर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.